अच्छा कुछ लोग तो मास्क उतारते ही नहीं है जहां भी मिलेंगे सर। दो लोग बात कर रहे हैं मास्क लगा। मैंने कहा क्या क्या चल रहा है? बोले मास कम्युनिकेशन। हाँ भैया तुम्हारी तरह बैंड बजा रहे हो मास्क पे, वो फाइन मारने वाले। मैंने पीएम साहब से पूछा कि मास्क MASK मास्क का फुल फॉर्म क्या है, तो कहते हैं मित्रा। मैंने कहा हाँ अमेरिका जाके आइए पहले। मेरा मेरा भाई बहनों, मास्क मास्क MASK अजी MASK है क्या, जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे? ये अमेरिका में बता कर आया हूं, 5 दिन का काम 3 दिन में खत्म कर गया हूं। मास्क MASK का फुल फॉर्म है मेरा आपका सुरक्षा कवच, और यह यदि आप चेहरे पे लगाएंगे तो कोरोना आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि मां के नाम के आगे कोई चीज टिकती नहीं है, और मास्क में मां का नाम है। केवल एक ही दिक्कत है, सेल्फी आप खींच नहीं पाएंगे। मित्रों मत रो, घर में बैठे रहो, कंटिन्यूटी है, पीते रहो गरम कॉफी और गरम टी, इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और आपको कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी। ऑलमाइटी ऑलमाइटी ऑलमाइटी। मित्रो मत रो, अब ये चीज एहसान कुरी जी के समझ में आ गई, कभी मित्र हमारे मुंडी मास्टर सर फिरू सर फिरा, तो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की ना उड़ाओ धज्जिया, सोशल डिस्टेंसिंग की ना उड़ाओ धज्जिया, मेरे दिमाग की ना तलो भज्जिया, भीड़ में हो गया को भीड़ तो फिर मत कहना कि गुंडों में फंस गई रज्जिया। वहाँ दिल्ली वाले हमारे भाई साहब मफलर किंग, वो कह रहे कोरोना कोरोना की वजह से 3 चीजें बड़ी आम हुई है जी, वाह आह और अफवाह। हमने लोगों की आह सुनी, उन्होंने लोगों की वाह सुनी, और आप लोग अफवाह सुन रहे जी। अफवाह यह है कि कोई कहता है जी कोरोना की तीसरी लहर आएगी। मैं कहता हूं तीसरी नहीं जी, 17 लहरें और आएगी। जी हाँ मेरे पास सबूत है जी, मैं बता सकता हूं, मैं साबित कर सकता हूं जी, 17 लहरें और आएगी। पूछो कैसे? COVID-19। दो लहरें आ चुकी हैं, बाकी कितनी है? आपको है खतरा। कोरोना की ये जो मास्क है, इसने बहुत फायदा भी किया है, नुकसान ये किया है कि समझो लंबे बालों वाली ऐसी लड़की लड़का, ये हमारे सुमित जैसा लड़का लंबे बाल वगैरह, इसने तो दाढ़ी के बाल किए, लेकिन कुछ लंबे इतने लंबे लंबे बाल कर लेते हैं और मास्क पहन के मटकते मटकते निकलते हैं, कई लोग उसके चक्कर में पीछा करते हैं ये सोच के कि यार सुंदर लड़की कहाँ जा रही है, और भी कोरोना के टाइम में छेड़ते हैं। यूं खिली खिली मुंह कवर कवर, ओ जाने जिगर तू चली कहाँ,
वो घर पे जाके मास्क खोलता है। जिसको मैंने बबीता समझा वो बबीता निकला, जिसको मैं ऋषिता समझा वो ऋषिता निकला, जिसे किरण खेर समझा वो किरण कुमार निकला, जिसे अमीषा समझा वो अमीषा निकला। कमाल हो गया यार। अब ये जो मास्क है जिस तरह से बिकता है मार्केट में, आगे चल के कंपनी इसका ऐड भी करेगी, तो उसका ऐड का जो म्यूजिक होगा, साउंड होगा, कैसे होगा? झंडू मास्क ये है झंडू मास्क, इसको पहनो मिटेगा कोरोना का हर टास्क। झंडू मास्क और जितने झंडू लोग हैं इस मास्क को लेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो मास्क उतारते ही नहीं है, जहां भी मिलेंगे ऐसा दो लोग बात कर रहे मास्क में। मैंने कहा क्या क्या चल रहा है? बोले मास कम्युनिकेशन। मास्क उतारते नहीं, पता नहीं क्या डर है उनको, फाइन का डर है या क्या डर है। अब ये कोरोना में मैंने देखा कि हमारे देश में कोरोना जो जब से आया है इसके अलग अलग स्टाइलिश नाम आए, कोरोना, COVID-19, पेंडेमिक, पता नहीं क्या क्या, और तीसरी लहर आएगी। मैंने कहा भाई तीसरी लहर अब नहीं आएगी, मान जाओ मेरी बात, अगर तीसरी लहर आई तो सिर्फ आमिर खान के घर आएगी, क्योंकि आमिर खान बार बार शूटिंग कर रहा है, बार बार इधर उधर जाके वो अच्छा नहीं होता। तो मैं आमिर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करना। आमिर भाई से मैंने पूछा भी था कि शादी के मामले में आपका क्या ख्याल है, बोलता है शादी जो है मेरा जाति मामला है। मैं कहा और एक से ज़्यादा शादी वो मेरा जाति मामला है। मतलब फिल्मी जात। मैंने कहा अच्छा, इल्मी जात नहीं है। अब ये कोरोना के कि ज़्यादातर दिन तक टिकने की वजह क्या है कि कोई कह रहा गो कोरोना, तो कोई उसी में कह रहा जियो कोरोना, स्पेलिंग तो हुई है ना जियो, तो कोरोना उसके चक्कर में जिए जा रहा है। चार औरतें मिलकर कोरोना की बात करें, कोई भी कोरोना का एडिक्शन सही नहीं बोल पा रही, कोई भी कोरोना का नाम सही नहीं ले पा रही। एक यूपी के भैया जी की भैया नहीं कहती है ए बहनी ये कौन विदेशी बीमारी आया है, विदेशी बीमारी आया है, का नाम बा करोना। तो बिहार में भाभी उसको ठीक कर रही है, अड़ी ए बहनी वो कोरोना नहीं है, उड़ो का नाम है कोरोना, कड़ौना नहीं कोरोना, उड़ो का नाम है कोरोना। एक पंजाब की भाभी, तुम लोगों ना डिक्शन का बड़ा प्रॉब्लम है, गलत बात करते हो, गलत बात, और ना कोरोना है कोरोना। हाँ चंगी तस्कर को गाल करूँगी तो कोरोना है कोरोना। एक मलवारन भाभी बैठी थी कहीं थे भी लेके के कितने बेरी वो गेरुना है गेरुना है। एक पंडिताइन बैठी थी, देवियों क्यों अपना समय वेस्ट कर रही हूँ, व्यक्त कर रही हूँ, बर्बाद कर रही हूँ, वो करुणा है वो करुणा है। इतने में बंगाल में कोई बंगाल की जो बौद्धी थी, बूढ़ी बाबा कोरोना आ रहा है, वो देखो कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। सारी भाभियां भाग गई। मैंने पूछा भाभी कोरोना कहाँ है, वो देखो उस औरत का नाम करुणा था। बंगाली भाभी र को रो बोलते हैं ना, म को मो बोलते हैं, तो करुणा को उन्होंने कोरोना बोल दिया। इस तरह से कोरोना फैल रहा है कहीं ना कहीं, कहीं पे इसी वजह से फैल रहा है नहीं ये मगर फैल रहा है। तो मास्क पहने रहिए, मास्क पहनने से कोई नुकसान तो है नहीं, सिर्फ दो लोगों का नुकसान हुआ है, प्रॉपर नुकसान हुआ है भाई, एक इमरान हाशमी का, दूसरा सनी लियोनी का। इमरान हाशमी का दुकान बंद हो गई, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है वो, और सनी लियोनी का इसलिए क्योंकि मास्क के चक्कर में एक कपड़ा तो पहनना पड़ेगा भाई। मतलब एक मतलब फुल कपड़ा हो जो होता ना एक
बुरखा उरखा टाइप का कुछ पहनना पड़ेगा, अच्छी बात। लेकिन कोरोना जो जा रहा है अभी, उसने देख लिया कि वैक्सीन वगैरह आ गया, सब अपना मामला ठीक हो, अब अपना यहाँ पर रह नहीं सकते अपन, तो कोरोना जा रहा है अपना सामान और बांध के, और अपना बेटा कोरोना 2 को गोद में लेके जा रहा है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो गाते हुए कह रहा है, तेरी वैक्सीन से। मैंने कहा ये आपके अंदर अनु कपूर की आत्मा कहाँ से आ गई? तेरी वैक्सीन से ओके मजबूर चला। एग्जैक्टली कहाँ? मैं बहुत दूर कहाँ, बहुत दूर कहाँ, बहुत दूर चला। जगह का नाम तो बताओ। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकू। अच्छा स्केल ही बदल दिया। कौन सी जगह? ऐसी मंजिल पे जहाँ खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं। कहाँ जा रहे? तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। मैं कोरोना कपूर बहुत दूर बहुत दूर। मैंने कहा अच्छा कोरोना कपूर बोला, करीना कपूर नहीं बोला। इसका मतलब हम सेफ है। ऑल द बेस्ट। वेव वेव वेव। कोरोना गया है दूर, आप सेफ हो क्योंकि आप हो तैमूर।